पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का अंत करने भगवान कल्कि अवतरित होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वे एक सफेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे। क्या सच में यह दिव्य अवतरण होगा या फिर ये बस युग परिवर्तन का मात्र एक संकेत है? इस वीडियो में हम आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या सच में विष्णु जी का अंतिम अवतार आने वाला है या बस ये किसी महत्वपूर्ण घटना के संदर्भ में की गई कोई भविष्यवाणी है। इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सबका विटी सेज में स्वागत है। कलयुग का आशय है अंधकार का युग। जैसे कि हमने आपको हमारी पिछली वीडियो में युगों और उसके हमारे कॉन्शियसनेस पर होने वाले असर के बारे में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देख लें, जिससे आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझने में मदद हो। काल चक्र बनता है चार युगों से, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को जो चीज अलग करती है वह है सोलार सिस्टम और जिस सुपर सन के आसपास ये परिक्रमा कर रही है उसकी दूरी, जो कि अपने चरम पर है। जितनी इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी, उतनी ही धरती पर इंसान की बुद्धिमता या इंटेलिजेंस कम होगी, क्योंकि कलयुग में इन दोनों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मानव बुद्धि अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। जबकि उसके बाद आने वाले युगों में जैसे जैसे सोलर सिस्टम सुपर सन के करीब आती है, मानवीय बुद्धिमता निखरनी शुरू हो जाती है। यहां तक कहा गया है कि जैसे जैसे हमारी सोलर सिस्टम सुपर सन के करीब आती है, वैसे वैसे हमारे इंटरनल सिस्टम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक पावर को यूटिलाइज करने की क्षमता बढ़ जाती है और यह बोध होता है कि पूरा शरीर और पूरा ब्रह्मांड एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर है और दूरी बढ़ने पर यह क्षमता कम हो जाती है। जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में सफेद पंखों वाले घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि धरती पर आकर यहाँ का अंधकार मिटाएंगे। पर कुछ विद्वानों के अनुसार अंधेरे को मिटाने के लिए कल्कि नामक कोई भी अवतार धरती पर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यह वाक्य केवल एक संकेत मात्र है कलयुग खत्म होने का। जैसे ही कलयुग खत्म होगा और हम अगले युग में प्रवेश करेंगे, हमारी सोलर सिस्टम सुपर सन के करीब होगी और उसी पल सुपर सन से हमारे अंदर का अंधेरा दूर होगा। जब भी हमारा सौर मंडल इस बड़ी प्रणाली के करीब आता है तो हमारे प्लैनेट में रहने वाले सभी जीव हायर पॉसिबिलिटीज की ओर बढ़ जाते हैं। जब भी हमारी सोलर सिस्टम इससे दूर जाती है, हमारे सिस्टम में रहने वाले जीव लोअर पॉसिबिलिटी पर आ जाते हैं, तब हम कहते हैं कि यह कलयुग है। अंधेरे को अंत करने के लिए छोटे से प्रकाश की जरूरत है, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। अंधेरा सबसे नाजुक चीज है, अगर फिर भी लोग इससे छुटकारा नहीं पाते तो इसकी वजह है कि वे इसे दूर करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक उड़न घोड़े पर सवार कोई प्रकाशवान हस्ती का नीचे आकर अंधेरा दूर करना एक संकेत मात्र है। यह जरूरी नहीं है कि प्रकाश, ज्ञान या इंटेलिजेंस आपके जरिए ही सामने आए, यह एस्ट्रोनॉमिकली भी प्रकट हो सकता है। चूंकि सौर मंडल कलयुग के दौर से बाहर निकल रहा है, ऐसे में एक एस्ट्रोनॉमिकल या डिवाइन गिफ्ट के तौर पर हमारी बुद्धि चमक सकती है। आकाश में कुछ ऐसे तारा मंडल या नक्षत्र हैं जो उड़न घोड़े की तरह नजर आते हैं। इसलिए कहा गया है कि कल्कि एक उड़न घोड़े पर सवार होकर हमारे भीतर प्रवेश करेंगे और हमारा अंधकार दूर करेंगे।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।